प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय मंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह जालंधर पहुंचे और स्पोर्ट्स मार्केट कमेटी के प्रधान सहित मेंबर से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर कहा कि मीडिया ये बात पंजाब के लोगों के सामने लाए और जो हाल या बेहाली दिल्ली की हुई है ऐसी पंजाब की ना हो और हम सतर्क हो जाए। एक्साइज पॉलिसी में राघव चड्ढा के बयान और उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर बोले, इस मामले की जांच चल रही है और जो जो भी आरोपी होंगे उसका स्तर भी दिया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। पाकिस्तान को लेकर बोले कि पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि 1947 से शरारत कर रहा है और 3-4 युद्ध भी कर चुका है। आज भारत वो नहीं जो पहले था, वो मोदी जी का भारत है। हमने पाकिस्तान से मुकाबला करने का नैरेटिव बदला है, इसलिए पाकिस्तान भी अब समझता है और जो भी हरकतें होगी या जो भी शरारत होगी उसका उस प्रकार से जवाब मिलेगा। नहीं, आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है और जो पहले आंकलन लगाए जा रहे थे वो निराधार साबित हो रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक कीर्तिमान विजय होने वाली है यहाँ पर। और जलंधर से भारतीय जनता पार्टी को जो विजय प्राप्त होगी उसका संदेश देश भर में जाएगा, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर कभी यहाँ पर इस तरह का चुनाव लड़ा नहीं, क्योंकि पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। पंजाब न केवल भारत बल्कि वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। स्वतंत्रता से पहले भी एक बड़ा प्रमुख सूबा माना जाता था, अंग्रेज शासन के दौरान भी। बदकिस्मती के साथ इसके साथ उस तरह का इसे न्याय नहीं मिला, उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिसका इसको अधिकार था। एक के बाद एक जो यहाँ पर सरकारें रहीं, हुकूमतें रहीं, उन्होंने इसकी अवहेलना की। भ्रष्टाचार के चलते इसके अपने सुख साधन और रिसोर्सेज को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन मोदी जी को स्वयं इसकी चिंता है। और आपने देखा होगा मोदी जी ने पंजाब की चिंता जब भी की है बड़ी संवेदनशीलता के साथ की है। ये मोदी जी हैं जो न केवल विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं बल्कि पंजाब के लोगों की, यहाँ के हर समुदाय, सिख समुदाय हो दूसरा समुदाय हो, उसकी भावनाओं की भी वो संवेदनशीलता के साथ चिंता करते हैं। चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का विषय था, चाहे वो पिछले ही वर्ष यहाँ पर मोहाली में एक विश्व स्तर का अस्पताल खोलने का विषय था। मुझे लगता है कि बार बार और बिना किसी वोट की राजनीति की सोच लिए हुए उससे ऊपर उठ करके मोदी जी ने सदा इसकी चिंता की है। और यदि मोदी जी की योजनाओं को धरती पर उसी तरह से उतारना है जिस तरह से कि बाकी प्रदेशों में हो रहा है, भले ही उत्तर प्रदेश में है, भले ही अपने मध्य प्रदेश में तो हमें या गुजरात में, तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम इस यहाँ पर उसी तरह की अनुकूलता पैदा करें। और वो तभी संभव है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने वाला यहाँ से प्रतिनिधित्व हमें प्राप्त हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी निवास है शीश महल को लेकर खुलासे हो रहे हैं कई कई, और अब ये भी खुलासा हुआ है कि जो 45 करोड़ रुपये उस पर लगाया गया है और 543 वर्ग मीटर था जब वो पहली बार सीएम बने थे और अब 1212 वर्ग मीटर है, तो जो 543 है उसमें उन्होंने बगीचा बना दिया, गार्डन बना दिया है, तो इसके बारे में क्या ना। और दूसरी बात, जब वो वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को काटा गया जबकि उनके पास परमिशन नहीं थी और पेड़ लगाए थे। मुझे लगता इस प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया और मैं चाहूँगा कि मीडिया के मित्र यही बात पंजाब के लोगों के बीच में भी जा कर के रखें ताकि उनको समझ में आए कि जो हाल या बेहाली दिल्ली की हुई है ऐसी पंजाब की ना हो, इससे पहले के हो हम सतर्क हो जाएंगे। एक एक वो पूछ रहा राघव चड्ढा को लेकर, जो एक्साइज पॉलिसी में उनके सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ उनकी खबरें चल रही हैं। और बढ़िया नहीं, मुझे लग रहा है वो जांच चल रही है और जो जो भी आरोपी होगा उनको उस बात का उत्तर भी दिया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा। नहीं, देखिए पाकिस्तान जो शरारत कर रहा है वो आज से नहीं कर रहा है, 1947 से कर रहा है। 3-4 युद्ध भी कर चुका, इन्फिल्ट्रेशन भी कर चुका, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शरारत भी कर चुका, लेकिन आज का भारत वो नहीं जो पहले था। ये मोदी जी का भारत है। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, देखा आपने, देखा हमने पाकिस्तान की चुनौती का मुकाबला करने का नैरेटिव बदला है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए पाकिस्तान भी ये समझता है कि जो भी हरकत होगी वहाँ से, जो भी शरारत होगी
उसका उस प्रकार से जवाब उसको मिलेगा जैसे शायद पहले कभी नहीं मिला था। और आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी में भी पहले की तुलना में अब सुरक्षा स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। इस बार वहाँ पर रिकॉर्ड पर्यटन आए हैं करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, और वो इस बात का प्रमाण है कि अब हालात वो नहीं रहे जो मोदी जी के आने के बाद हुए। लोगों हटाओ, लोगों हटाओ।